सबसे पहले हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोए सवसाहूणं। तो पहले हम थोड़ा सा कल का रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने भक्तामर स्तोत्र का दूसरा श्लोक पढ़ा था। दूसरे श्लोक को मैं एक बार रीड करती हूँ। आप लोग मेरे साथ माइक म्यूट करके ही अपने घरों में धीरे धीरे मेरे साथ रीड करने की कोशिश करें। यह संस्तुतः सकल वाङ्मयः तत्त्वबोधा उद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितयः चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसका अर्थ है कि सकल वांग्मय तत्व बोधात् पूरी जिनवाणी के तत्व के ज्ञान से उद्भूत यानी कि उत्पन्न हुई है बुद्धि यानी कि नॉलेज, पटुभि यानी कि शार, शार को बुद्धि उद्भत उद्भूत हुई है, उत्पन्न हुई है। किन की? सूर्यलोक के नाथों की अर्थात इंद्रों की। ऐसे इंद्रों के द्वारा जो पूजे गए हैं, और कैसे पूजे गए हैं, किस तरह के स्तोत्रों से पूजे गए हैं, कि स्तोत्र भी वो चित्त को हरने वाले हैं, तीनों लोक के जीवों के चित्त को हरेंगे, और बड़े उदार स्तोत्र हैं, बड़े महान स्तोत्र हैं। तो ऐसे स्तोत्रों से और ऐसे इंटेलिजेंट इंद्र से जो पूजे गए हैं, उन पहले जिनेंद्र को मैं भी पूजूंगा। ये दूसरा श्लोक पहले श्लोक के साथ मिलकर के एक सेंटेंस कंप्लीट करता है। आपको याद हो तो पहले श्लोक में बात यहाँ तक थी कि प्रणाम करके के बाद यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। कल के श्लोक में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई उच्चारण के बारे में कुछ पूछना हो, मीनिंग के बारे में, या कुछ अपनी तरफ से ऐड करना हो, तो आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। कोई बताना चाहेगा कुछ? नहीं तो फिर हम अब आगे चलते हैं। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ने वाले हैं। तीसरा श्लोक है लघुता की अभिव्यक्ति के बारे में। इसे हम समझेंगे कि लघुता की अभिव्यक्ति क्या है। पहले श्लोक का पाठ करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ माइक म्यूट करके दोहराइए। बोध्यावेनापि विबुधा चित पाद पीठ स्तोतुम समोद्यतमति विगतत्रपोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क एच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। ये जो जिस ट्यून में हम पढ़ते हैं, इसका नाम किसी को याद है? जिस छंद में हम पढ़ते हैं लय, बसंत तिलका। यस, बहुत बहुत अच्छा आंसर, बसंत तिलका। इस ट्यून को बसंत तिलका कहते हैं।
संस्कृत में श्लोकों को पढ़ने के लिए संस्कृत हिंदी प्राकृत लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह की ट्यून्स होती हैं। भक्तामर को हम वसंत तिलका में पढ़ते हैं। तो अब हम इसका एक एक अर्थ से एक एक शब्द से अर्थ समझेंगे। तो अब सभी नीचे वाले टेक्स्ट पर ध्यान दें, ये जो ग्रीन और ब्लैक कलर में है। विभूत अर्चित पाद पीठ, ये विभूत अर्चित पाद पीठ, ये जो इतना फ्रेज है फोर वर्ड्स का, ये एक संबोधन है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं तो वैसे ये एक पुकारने के लिए संबोधन है, इसलिए यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क से ये समझाया गया है। विबुद्ध कौन होते हैं? विबुद्ध यानी कि बुद्धिमान जन, इंटेलिजेंट पीपल्स। और यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में अभी इंटेलिजेंट पीपल्स का मतलब क्या है? देव, इंद्र। तो यहाँ विबुद्ध का अर्थ हमें लेना है इंद्र। अर्चित यानी कि पूजे गए, अर्चित यानी कि पूजे गए, देवों द्वारा पूजे गए। पाद यानी कि पैर, और पीठ यानी कि आसन, चरण रखने का आसन, यानी देवों द्वारा पूजे गए चरण रखने का आसन। ऐसा कौन सा चरण रखने का आसन है जो देवों द्वारा पूजा गया है? जिनेंद्र भगवान के चरणों का आसन। तो ये जो इतना बड़ा संबोधन है, इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि हे जिनेंद्र देव। जिनेंद्र भगवान के लिए इन्होंने एडजेक्टिव्स यूज करके, सिनोनिम्स यूज करके ये फ्रेज बनाया है। फर्स्ट लाइन में आपको यहां मिलेगा विबुधार्चित पाद पीठ, इसका अर्थ आप समझ गए, देवों द्वारा पूजित पैरों का आसन जिनका, ऐसे जिनेंद्र देव। आगे बढ़ते हैं, बुद्धिया यानी बुद्धि के, बुद्धि के, बुद्धिया यानी बुद्धि के, बिना मतलब बिना, अपि यानी भी, बुद्धि के बिना भी, इवन विदाउट नॉलेज, विगत यानी बिना, विदाउट, त्रपह यानी कि लज्जा, शर्म, शेम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लज्जा के बिना भी, निर्लज्ज होकर के, शेमलेस। समुद्यत अर्थात तैयार हुई, एकदम रेडी, प्रिपेयर्ड। और मति यानी कि बुद्धि, माइंड। तो मेंटली प्रिपेयर होकर के, तैयार बुद्धि से। अहम यानी कि मैं, अहम का अर्थ होता है मैं। स्तोतुम यानी कि स्तुति करता हूं। ये तो हमारी पहली लाइन थी। ये जो दो लाइनें श्लोक में आपको दिख रही हैं, बुद्धा विनापि से लेकर के त्रपोहम तक, इसका अर्थ अभी हमने समझा। एक बार हम इस पूरी लाइन को समझते हैं। क्या कहते हैं कि विबुधों द्वारा अर्चित पैरों का आसन जिनका, ऐसे जिनेंद्र देव, बुद्धि के बिना भी, लज्जा के बिना होकर के, निर्लज्ज होकर के, तैयार बुद्धि से, माइंड प्रिपेयर करके, मैं स्तुति करता हूं। अब आप समझिए, अभी हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि इंद्र जो होते हैं वो इतने बुद्धिमान होते हैं, उन्होंने पूरी दाशाम जुनवाणी पढ़ी है, वो इतने ब्रिलियंट हो गए हैं, उनका माइंड इतना शार्प हो गया है। तो अब उनके कंपैरिजन में मैं तो बिना बुद्धि का हूं, और फिर भी मुझे किसी बात की शर्म नहीं है कि देखो इतने महान महान लोग आपकी स्तुति करते हैं, और मैं करूंगा तो वो लोग मुझ पे हंसेंगे। वो लोग ऐसे कह सकते हैं कि देखो इन्होंने तो केवल 48 श्लोक का ही स्तोत्र बनाया, कितना छोटा, और कोई वाद्य यंत्र भी नहीं है इसके साथ में, और एक एक श्लोक में केवल 4 लाइन ही है। तो लोग मुझसे किसी भी तरह से हंस सकते हैं, मेरी निंदा कर सकते हैं, परंतु मैं वो सारी बातों को नजरअंदाज करता हूँ। मैं अपनी सारी लज्जा छोड़ करके अब प्रिपेयर हो गया हूँ मेंटली, अब मैं आपकी स्तुति करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ। अब वो इस बात का एग्जाम्पल देते हैं। आप ही सोचिए, अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है, लज्जा नहीं है,
वो ऐसा काम क्यों करना चाहता है? तो इसी बात को समझाने के लिए अगली दो लाइनों में आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे, तीसरे श्लोक से अब आगे के सभी श्लोकों में, अधिकतम श्लोकों में, आगे हर श्लोक में एग्जाम्पल्स आएंगे, उदाहरण आएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत आएंगे। तो आज इस तीसरे श्लोक का एग्जाम्पल है। जी, किसी का माइक अनम्यूट है, कोई कुछ कहना चाहता है? अन्यथा अपना माइक म्यूट कर ले। हाँ, तो हम अब एग्जाम्पल जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, जल संस्थितम, ये नीचे के टेक्स्ट में इसे पढ़ते हैं। जल यानी कि पानी, वॉटर, संस्थितम यानी कि पानी में, जल में, इंदु यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा को इंदु कहते हैं, मून, बिंबम यानी कि रिफ्लेक्शन, बिंब, जल में पड़ा हुआ चंद्रमा का बिंब, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन, बालम यानी कि एक छोटा बच्चा, बालक, विहार यानी कि उसके अलावा, एक बालक के अलावा, अन्य अर्थात कोई और, अदर, अन्य, कह मतलब कौन, हु, जन यानी कि पुरुष, मनुष्य, कोई भी इंसान, सहसा यानी कि बिना विचारे, विदाउट थिंकिंग, ग्रहितुम यानी पकड़ने के लिए, इच्छति मतलब इच्छा करता है। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट जा रही हूं तो आप कह सकते हैं कि मैं स्लो करूं थोड़ा, और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो हूं तो आप फास्ट जाने के लिए भी कह सकते हैं। इस लाइन का हम अब एक बार में पूरा अर्थ समझते हैं। जल में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को, चंद्रमा के रिफ्लेक्शन को, एक छोटे बच्चे के अलावा और कौन, इंसान, बिना विचारे ही पकड़ने की इच्छा करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? एक छोटा बच्चा होता है, वो जब चंद्रमा को देखता है तो चंद्रमा की सुंदरता से मोहित होकर वो चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, और वो हवा में हाथ मारता है उसको पकड़ने के लिए, पर चंद्रमा थोड़ी पकड़ में आएगा। चंद्रमा तो इतनी दूर आकाश में है, वो उस बच्चे के हाथ में थोड़ी आ सकता है। तो वो फिर रोता है, वो फिर मांगता है अपनी माँ से कि माँ मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा ला कर दो। चंद्रमा लाया भी नहीं जा सकता, तो उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ एक बहुत बड़ी थाली लेती है जिसमें वो पानी भर देती है और उस पानी को आंगन में रखती है। अब चंद्रमा का रिफ्लेक्शन उस पानी में पड़ता है तो उस बच्चे को लगता है कि चंद्रमा यहाँ इस पानी में है, जबकि वो पानी में नहीं होता, वो तो आकाश में ही है। पानी में तो केवल रिफ्लेक्शन है, बिंब है केवल, पर वो बच्चे को लगता है कि ये चंद्रमा है, और फिर वो बच्चा पानी में हाथ डालकर उस चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है। अब इसका अर्थ क्या निकला? देखिए, उस बच्चे में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, तो उसी की तरह आचार्य श्री भी कह रहे हैं कि मैं भी बिना बुद्धि के ही कोशिश कर रहा हूं स्तुति करने की। वो बच्चा निर्लज होकर के, उसे किसी बात की चिंता नहीं है कि लोग मुझ पे हंसेंगे, देखो मैं झूठे चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, वो निर्लज है बच्चा। तो उसका उदाहरण देकर के आचार्य श्री कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह बच्चा बिना बुद्धि के निर्लज होकर के चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह मैं भी बिना बुद्धि के निर्लज होकर के आपकी स्तुति करने की कोशिश करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। तो यहाँ इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ ये है। अब आप में से किसी को उच्चारण में कहीं दिक्कत आ रही हो, किसी शब्द के उच्चारण में, या कोई शब्द का अर्थ नहीं समझा हो, तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब यहां पर आपको
ब्लैक इंक में नीचे कुछ अक्षर दिख रहे होंगे, इन्हें डिफरेंटली कलर क्यों किया गया है? क्योंकि इनकी श्लोक में संधि हुई है, संधि यानी कि जॉइंट, तो जॉइंट को तोड़कर समझाने के लिए यहाँ पर डिफरेंट कलर है। अब जैसे ये शब्द है विबुध अर्चित, विबुध अर्चित श्लोक में कहाँ है? विबुध और अर्चित ऐसे दो शब्द नहीं आए हैं, दोनों मिलकर आए हैं। ये जो शब्द दिख रहा है पहली लाइन का तीसरा शब्द विबुधार्चित, विबुधार्चित कैसे बनाए? विबुध और अर्चित को मिला करके। उसी तरह से विना अपि, विना अर्थ बिना, अपि अर्थात भी, तो विना और अपि को जब मिला देते हैं तो बनता है विनापि, और वो विनापि यहाँ पहली लाइन का दूसरा शब्द है। एक और जैसे संस्थितम इंदु, संस्थितम यानी कि जल में पड़ा हुआ या जल में गिरा हुआ, संस्थितम रखा हुआ, इंदु यानी चंद्रमा, चंद्रमा, तो संस्थितम और इंदु को जब मिला देते हैं तो बनता है संस्थितम मिंदु, और वो कहाँ है? तीसरी लाइन का ये शब्द संस्थितम इंदु। अब इस तरह से ये यहाँ पर अन्यः जो लिखा हुआ है, यहाँ अन्यः कहा जनः, ये देख रहे हैं आप, तो ये अन्यः कहाँ है? ये अन्यः यहाँ चौथी लाइन में मन्यः लिखा हुआ है, वो क्यों? क्योंकि ये जो म है ये निकल करके बिंब के साथ चला जाएगा, इसकी भी संधि हो रखी है, इसका जो इसको हम रीड कैसे करेंगे, बिंब मन्यः, परंतु बिंब मन्यः दो शब्द हैं जिन्हें जोड़ा गया है, इसको जब हम अलग करेंगे विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? बिंबम और अन्यः, तो उस अन्यः को मैंने यहाँ लिखा है और बिंबम को यहाँ लिखा है। तो इस तरह से संस्कृत जो होती है उसमें संधि हो जाती है, तो उस संधि को हम अलग अलग तरह से लिखते हैं जिससे समझने में आसानी हो। तो ये अर्थ था जो हमने अभी पढ़ा, अब हम इसे थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ एक फ्रेज आया कि बुद्धा बिना अपि, बुद्धि के बिना भी। अब आप लोग ऐसा सोचिए कि आचार्य श्री ने इतना महान स्तोत्र लिखा है, 48 श्लोकों की इतनी कमाल की माला बनाई है, और वो श्लोक भी कैसे कि एक श्लोक लिखा और चमत्कार से एक एक ताला टूटता गया, और आज भी हम देखते हैं कि इस श्लोक के कितने चमत्कार होते हैं। हालांकि हमारी दृष्टि उन चमत्कारों पे अभी नहीं है, परंतु फिर भी हम जानते हैं कि इस श्लोक के अद्भुत चमत्कार है। ऐसे श्लोक के रचनाकार खुद को बिना बुद्धि का कह रहे हैं, आश्चर्य तो होता ही है कि अरे आपने श्लोक लिखा है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, आप खुद को बिना बुद्धि का क्यों कह रहे हैं? पर उसका अर्थ ये है कि परंपरा में ऐसी मान्यता है, परंपरा के अनुसार लघुता प्रकट करनी पड़ती है। लघुता यानी पोलाइटनेस, हम्बलनेस। यहाँ जो हेडिंग में आपको शब्द दिख रहा है लघुता यानी हम्बलनेस, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करना किसी चीज को, तो हम्बलनेस का एक्सप्रेशन है इसमें। बुद्धि के बिना भी, उन्हें आचार्य श्री को किसी बात का घमंड नहीं है कि देखो मैं इतने महान श्लोक की रचना कर रहा हूं तो मैं कितना बुद्धिमान हूं, नहीं, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, निरहंकार होकर के वो ये श्लोक की रचना कर रहे हैं। इससे क्या दिख रहा है? इससे उनका मार्दव धर्म दिख रहा है। दशलक्षण धर्म में एक धर्म आता है ना दूसरे नंबर का, मार्दव धर्म, अहंकार का अपोजिट मार्दव, तो उस मार्दव धर्म को दर्शा रहे हैं यहाँ पर। और फिर जब हम पहले के श्लोक से कंपेयर करें, दूसरा श्लोक था, दूसरे श्लोक में वो बता रहे हैं कि इंद्र की कितनी बुद्धि होती है, इंद्र कितना बुद्धिमान होता है, तो अगर उस श्लोक से कनेक्ट करते हैं तो फिर बात सही भी है, इंद्र की बुद्धि के सामने तो वे कम ही हुए ना, और इंद्र से भी क्यों कंपेयर करना, ये स्तुति क्या मानतुंग आचार्य जी की है?
इंद्र की है? नहीं, ये स्तुति तो आदिनाथ भगवान की है, ये स्तुति भगवान की है। तो उनकी बुद्धि के कंपैरिजन में, अरे उनके ज्ञान के कंपैरिजन में तो आचार्य श्री इंद्र हम सभी बिना बुद्धि वाले ही हुए ना। उनका केवल ज्ञान तो इतना बड़ा है, इतना महान है कि उनके केवल ज्ञान के सामने हम सभी का ज्ञान कुछ नहीं है। तो यहाँ बुद्धा विनापी से आपको क्या समझा? बुद्धा विनापी यानी हम्बलनेस, पोलाइटनेस, मार्दव धर्म, बिल्कुल अहंकार नहीं है उनमें। वो ये श्लोक लिखते लिखते ये भी आपको कह रहे हैं, ये संदेश भी दे रहे हैं कि आप अपने में अहंकार मत रखिए। शिष्यों को भी वो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब अगला फेज क्या है, अगली चीज उन्होंने क्या कही कि वो निर्लज हो गए, विगत त्रपह, उनमें कोई अब शर्म नहीं है, बिना शर्म के। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है? शर्म का अर्थ ये है कि अब उन्हें कोई क्या कहता है इस बात की उन्हें चिंता नहीं है, वे तो बस भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। भक्त और भगवान का प्रेम दिख रहा है इस बात से कि देखो भक्त को इतना प्रेम है कि वो बिना बुद्धि का है और फिर भी उसे कोई लज्जा नहीं है, वो बिना लज्जा के लिख रहा है क्योंकि उसे भगवान की भक्ति के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, वो बस स्तुति करने चाहते हैं। जैसे ये बालक है, इस बालक को कोई लज्जा नहीं है, ये बालक बिना शर्म के, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझ पर हंसेगा क्योंकि इसे इच्छा है चंद्रमा को पकड़ने की। उसी तरह आचार्य श्री की भी इच्छा है भगवान की स्तुति करने की। और एक और बात, यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र का तो ये तीसरा श्लोक है, पर आप कहेंगे कि स्तुति तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई, अभी तक तो यही बात चल रही है कि मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, पहले दूसरे तीसरे श्लोक में यही बात आई है। तो असली स्तुति शुरू कब होगी? स्तुति तो यही है, इसे भी एक तरह की स्तुति ही कहते हैं, ये भी तो एक तरह की स्तुति ही हो गई ना कि देखो आपकी भक्ति करने के लिए हम कितने उत्साहित हैं, हम कितने ईगर हैं, यानी आप कितने महान हैं। तो ये भी एक तरह की स्तुति होती है। तो ये बातें इस श्लोक में आई है। अब हमें श्लोक में एक और छुपी हुई बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक के तीनों श्लोकों में बात आई है कि हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपकी स्तुति करेंगे, पर क्या सिर्फ हम आपकी भक्ति स्तुति करके ही रुक जाएंगे? हम क्या सिर्फ आपकी भक्ति ही करते रहेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं? क्यों नहीं बढ़ेंगे? हम आपकी भक्ति स्तुति से भी आगे बढ़ेंगे। अरे पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर जैन धर्म के अलावा ऐसा कोई और दर्शन है नहीं, ऐसा कोई और मत है नहीं जो कहे कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, है कि नहीं? हम लोग कहते हैं कि हमें केवल भक्त बनकर नहीं रुकना है, हमें भगवान बनना है। और भगवान भी तो यही कहते हैं कि तुम भक्त तो हो पर भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। अब आप सोचेंगे भगवान तो कभी कुछ कहते नहीं है, उनकी जिन प्रतिमा अपन लोग जैन मंदिर में जाते हैं वहां प्रतिमा कभी कुछ बोलती है? कभी आपने सुना है, कभी आपने देखा है प्रतिमा को बोलते हुए? नहीं, प्रतिमा कभी बोलती नहीं है। फिर हमें कैसे पता चला कि जिनेंद्र भगवान ने हमें भगवान बनने के लिए कहा है? तो देखिए, आप मंदिर जाते हैं अच्छे से, आप उनकी भक्ति करते हैं पूरे भाव से, पर क्या वे आपकी भक्ति की तरफ ध्यान देते हैं? क्या वे आपकी तरफ देखते हैं? नहीं, वे आपको नहीं देखते, वे तो स्वयं को ही देखते हैं। उन्हें आपकी भक्ति चाहिए ही नहीं, उन्हें आपकी भक्ति से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वे तो स्वयं में डूबे हुए हैं, वे तो अपनी आत्मा का सुख ले रहे हैं। और ऐसा करके, उनके ऐसा करने से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें ये संदेश मिलता है कि हमें भी ये भक्ति तो ठीक है, पर भक्ति तक नहीं रुकना, हमें भी उनके जैसा होना है।
हमें भी उनकी तरह अपनी आत्मा में डूबना है, हमें भी दूसरों को देखने की बजाय स्व को देखना है। कैसे? देखिए, एक मौन संदेश नाम की चीज होती है। मौन संदेश यानी चुप रहकर, साइलेंट रहकर किसी को कुछ बात कहना अपने एक्शंस से। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अच्छी सी मुझे कहानी याद आ रही है, तो हम उस कहानी को सुनेंगे। कहानी क्या है कि एक बार एक तोता था। उस तोते का एक गुरु था, मतलब एक तोता और एक तोता गुरु, ऐसे एक दो थे। तो वो जो तोता था, एक बार जंगल में ऐसे वो उड़ रहा था, तो कुछ हंटर्स आए शिकारी, और उन्होंने उस तोते को पकड़ लिया और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। अब तोते की फ्रीडम खत्म हो गई, स्वतंत्रता खत्म हो गई। उसको बुरा लगा, उन लोगों ने उसे तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। अब वहां तोता हर रोज रहता था और वो उन लोगों की भाषा तक सीख गया। तोते होते हैं बोलने लग जाते हैं, उन्हें हम कुछ सिखाएं तो तोता उनके साथ ही रहता था। फिर एक दिन जिस शिकारी ने उसे पकड़ा था, वो शिकारी एक गांव में जा रहा था। तो वहां उस गांव में जाते वक्त शिकारी ने अपने तोते से पूछा कि मैं ना तुम्हारे गुरु के गांव में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ प्रश्न हो, कुछ उनसे कहना हो, कुछ उनसे पूछना हो, तो तुम मुझे बता दो, मैं उनसे पूछकर तुम्हें बता दूंगा। ऐसा उस शिकारी ने कहा। शिकारी ने कहा कि तुम मुझे अपना संदेश दे दो, मैं उनको दे दूंगा। तो फिर उस तोते ने कुछ सोचा, अच्छा ठीक है, और फिर तोते ने कहा कि आप उनसे जाकर, मेरे गुरु से जाकर पूछना कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, व्हाट इज द वे टू फ्रीडम। तो फिर शिकारी ने कहा ठीक है, मैं जाकर उनसे पूछ लूंगा। शिकारी गया वहां गांव में, उसने गुरु से पूछा यही क्वेश्चन, मुक्ति का मार्ग क्या है। तो गुरु ने ये क्वेश्चन सुना, थोड़ी देर सोचा, और फिर उसके बाद वो सांस रोककर लेट गए। ऐसा लग रहा कि वो मानो मर गए। शिकारी को लगा कि ये क्या हुआ, प्रश्न सुनते ही मर गए। तो फिर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर फिर वो वापस घर लौट कर आया। उसने तोते को बताया कि अरे मैंने तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे गुरु से पूछा था, तो उन्होंने जैसे ही प्रश्न सुना वो वैसे सांस रोककर ऐसा लगा लेट गए, मर गए। तो फिर तोते ने सुना, अच्छा अच्छा मेरे गुरु ने ऐसा किया, तो वो भी फिर से उसने भी सांस रोक ली और वो भी पिंजरे के अंदर लेट गया। शिकारी को लगा कि ये मर गया, उसने सांस रोक के वो लेट गया एकदम। तो शिकारी को लगा शायद प्रश्न में ही कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन जो भी सुन रहा है वही मर जा रहा है, तो कुछ क्या कर सकता है, मरे हुए तोते को थोड़ी पिंजरे में रखेंगे। तो उन्होंने पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला, और जैसे ही वो तोते को बाहर फेंकने वाला था शिकारी, वैसे ही तोता पंख फैलाकर उड़ गया और उसने कहा मिल गया मुझको मुक्ति का मार्ग। तो इस कहानी से क्या समझा हमें, कि वो जो गुरु थे उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ कहते तो शिकारी समझ जाता, अच्छा इनका प्लान ये है, ये लोग ये करने वाले हैं, तो मैं इनका प्लान सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्शन से अपना संदेश भेजा, और वो शिष्य भी इतना इंटेलिजेंट था कि उसने एक्शन से ही उनका संदेश समझ लिया। तो हमें भी भगवान का संदेश समझना है। वे जिस तरह से मौन, एकदम अपनी आत्मा में डूबे हुए हैं, अपनी आत्मा में ही तल्लीन है, हमें भी उनकी ही तरह अपनी आत्मा में डूबना है, केवल भक्त नहीं बनना है। तो इस बात पर ध्यान देंगे हम कि हम भक्तामर स्तोत्र तो पढ़ रहे हैं, हम भक्तामर स्तोत्र उनके गुणों को अंगीकार करने के लिए पढ़ रहे हैं, उनकी गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर एक दिन हमारे अंदर भी वही गुण होंगे और हम भी उन्हीं के जैसे होंगे, इस भावना से भी पढ़ना है जी। तो अब अगर आप में से किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। इस श्लोक का बस इतना ही सार है, इतना ही विस्तार है, कोई कुछ पूछना चाहे तो।
या कोई अब इसका उच्चारण करके देखना चाहे तो, कोई सुनाना चाहे श्लोक को तो, रीड करके कोई देखना चाहे। देखिए, आप जब कोशिश करेंगे तभी आपको आएगा। बहुत अशुद्धि होंगी, पर अशुद्धियों से डरना नहीं है हमें। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो शुरू में गिरता भी है, उसके चोट भी लगती है, परंतु इस डर से वो साइकिल चलाना छोड़ दे, ये तो सही बात नहीं है ना। साइकिल चलाना तो उसे सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसका एक बार उच्चारण करके देखना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। आई विल ट्राई। जरूर। बुद्ध्या विनाति विबुधाचित पादपीठ स्तुतुं समुद्यते मत विगत जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ प्रकोपः रही है। बालं विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्य प्रेक्षति जन सहसा ग्रही तुम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रीड किया आपने। बहुत अच्छा स्पष्ट उच्चारण था आपका। बाकी सभी भी ट्राई करें, आपका भी शुद्ध होगा। बहुत अच्छा आपने उच्चारण किया। और कोई कोशिश करके देखना चाहे? मैं तो हर रोज बोलती हूँ अपने घर में, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। आप बोले तो मैं बोलूँ, लेकिन मैं हर रोज बोलती हूँ इसलिए प्रैक्टिस होती है ना। हाँ, अच्छी। हाँ, इसलिए। हाँ, हाँ बोल बोल के सुनाइए हाँ आप। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्धत मतिर विगत प्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिन्दु बिंबम अन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने जो उच्चारण किया, बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों को उच्चारण आ पा रहा है। बहुत अच्छा उच्चारण था आपका। हम लोग वी आर ओल्ड पैरट्स। ऐसी कोई बात नहीं आप है, एज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोशिश करें तो किसी भी एज पर आप कुछ भी कर सकते हैं। उल्टा तो आप वही और अच्छा होगा। आपका बड़प्पन है। हाँ, तो अब हमारे पास इसका हिंदी में लिखा हुआ भी एक छोटा सा, क्या कहते हैं, सार है। तो सार को मैं एक बार रीड करती हूँ, उससे एक बार समरी हो जाएगी हमारी। देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, जो मैं कह रही थी ना चरण रखने का आसन, तो उसे हम सिंहासन के रूप में भी ले सकते हैं। देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेंद्र, मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। ईगर, तत्पर अर्थात ईगर, तत्पर हुआ हूँ, क्योंकि जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा करेगा, अर्थात कोई नहीं। तो ये हमारे श्लोक का सार था। और एक यहाँ पर ये पिक्चर दी, ये देखिए, यहाँ आचार्य मानतुंग जी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, और यहाँ पर ये चंद्रमा का बिंब है। इस चंद्रमा का बिंब, ये चंद्रमा है और चंद्रमा का बिंब यहाँ इस वेसल में पड़ रहा है, ये बच्चा इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और उसी तरह से हम भी जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो आज की कक्षा जो है, स्वाध्याय, उसे हम यहीं समाप्त करते हैं, और फिर अब हम कल मिलेंगे। जी, ओके, बाय बाय। जय थैंक जिनेन्द्र। यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक थैंक यू यू। दृष्टि। थैंक यू।